गाइज, एक महिला की जिंदगी कितनी संघर्षपूर्ण होती है यह उस महिला से अच्छा कौन बता सकता है जिसका पति कम उम्र में ही अपने कई कई बच्चों के साथ और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो महिला अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाओगे। वो अपने पति के निधन के बाद बहुत ही संघर्ष करके, मेहनत करके अपने बच्चों का और अपनी बूढ़ी सासू माँ का पालन पोषण कर रही है और अपनी आंखों में एक सपना सजाई हुई है। वो चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होकर फौज में अफसर बने। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर संध्या कुली का काम करने वाली एक महिला की। उसके ऊपर उसकी एक बूढ़ी सासू माँ और तीन बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। उसका कहना है कि जिंदगी ने भले ही मेरा हमसफर हमसाथी छीन लिया हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत ही कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके उन्हें पढ़ा लिखा के फौज में अफसर बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। मेरा बिल्ला नंबर 36 है और मैं इज्जत की खाती हूँ। इस महिला की ये बातें सुनकर हमें ये तो पता लग ही गया है कि ये महिला कितनी स्वाभिमानी है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें एक सीख और मिलती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हमें अपने हौसलों को और अपने आप को कभी भी नीचे नहीं होने देना। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी नॉलेज प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ये बिल्कुल फ्री है। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।